सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी डिस्कस आ इम्पॉर्टेंट सेशन ऑफ द स्टैटिक जीके विच इज़ यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी जो फाउंडेशन ईयर था 24 अक्टूबर 1945। सपोज हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनती है और क्या क्या मतलब उसमें एक्सपेक्ट थे, जो जिस वजह से हमें ये क्या बोलते हैं यूएनओ की फॉर्म की गई हो। और अगर मैं बात करना चाहूँ तो चाहे वो लीग ऑफ नेशन हो जो 10 जनवरी 1920 को एस्टेब्लिश हुई थी, या फिर यूएनओ की बात करूँ तो उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न था। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यूएनओ के जो मेन ऑर्गन है, जैसे आपका ट्रस्टीशिप काउंसिल हो गया, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हो गया, सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, सेक्रेटरी काउंसिल हो गया, और आपका जनरल असेंबली होगी। और इस चीज़ में हम देखेंगे आज की क्या बोलते क्या क्या इनके है। और यूएनओ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। इससे पहले मैं आगे चलूँ, इससे पहले आपको थोड़ी इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ जो इससे रिलेटेड है। जैसे आपको पता ही है कि क्या बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 को इसकी ख़त्म हुआ था, ये ठीक है। और उसमें पार्टिसिपेंट्स कंट्री थी 37 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। एक्चुअली में मुद्दा क्या था, मुद्दा था दो कंट्रीज का, सर्बिया और ऑस्ट्रिया, सर्बिया और ऑस्ट्रिया के बीच की लड़ाई थी। तो ऑस्ट्रिया में क्या था कि ऑस्ट्रिया का राजा जो प्रिंस था उसकी हत्या कर दी थी सर्बिया ने जो है ऑस्ट्रिया के प्रिंस की हत्या कर दी थी। याद रखना ये बात है 28 जून 1914 की, ठीक है। ठीक ये जुलाई से एक मतलब वर्ल्ड वॉर से एक महीने पहले की 28 जून 1914, ठीक है। जब ऑस्ट्रिया के प्रिंस की हत्या हो जाती है तो ऑब्वियस ही है किसी को किसी की कंट्री के राजा की हत्या होगी तो गुस्सा तो आएगा ही। तो ये इनको टाइम देते हैं एक मंथ का कि क्या बोलते हैं जितना भी मतलब जो भी इस पर कल्प्रेट लोग हैं तो उनको आप हमारे सामने पेश कीजिए। सर्बिया ने कोई एक्शन नहीं लिया, अपने जो लोग थे वहाँ के जिन्होंने उनके राजा की हत्या की थी तो उन पर कोई एक्शन नहीं लिया। और फाइनली क्या बोलते हैं यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से बीज उत्पन्न हो जाता है कहाँ का, वर्ल्ड वॉर का, ठीक है। और जब इस पर मैं बात करूं तो सर्बिया ऑस्ट्रिया पूरी प्लानिंग कर रखी थी इस पर, तो इसके साथ जुड़ जाता है जर्मनी देश जो उस टाइम का बहुत पावरफुल कंट्रीज था, ठीक है। और जर्मनी देश की मदद करने आ जाता है कि ये मैं आपकी सहायता करूंगा, इसको हम हराएंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ से भी कोई ना कोई जुड़ेगा, तो यहाँ से आ जाता है रशिया। अब रशिया खुलेआम चुनौती दे देता है जर्मनी को कि अगर आपने यहाँ से सैन्य लामबंदी की, मतलब इनके क्षेत्र में आए, मतलब इनके देश में आए, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, इससे पहले आपसे हमें लड़ना होगा। अब जर्मनी को गुस्सा आ जाता है, क्या बोलते हैं कि हमारी लड़ाई तो इनसे थी, अब आप बीच में कहाँ से हैं, तो वो कर देता है ऑस्ट्रिया को पीछे, बोलते अभी हम दोनों की लड़ाई है। लड़ाई चल रही थी सर्बिया और ऑस्ट्रिया की, अगर ये दोनों कंट्रीज ना आती ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता ना ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती आज, तो जर्मनी आ जाता है इससे लड़ने। तो इसको अब ये इसके खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देगा कौन, रशिया, ठीक है। अब रशिया का एक दोस्त होता है फ्रांस, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज है फ्रांस। तो ये जर्मनी के मतलब यूरोप में ही सारी कंट्रीज आते हैं, जर्मनी फ्रांस ये सब, ठीक है। और रशिया जो तुम्हारा एशिया प्लस अफ्रीका दोनों का पार्ट है जिसको यूराल माउंटेन सेपरेट करते हैं। और फिर जर्मनी जब जब रशिया इससे बोलता है कि देख लीजिए आपस का मामला है, फ्रांस ये ऐसी ऐसी बात बोल रहा है जर्मनी कि हम अटैक कर देंगे, तो फ्रांस इसको समझाता है जर्मनी को। तो जर्मनी का और मतलब गुस्से में आ जाता है कि ये तो एक यूरोपियन कंट्री है, हमारा साथ ना देखिए इनका साथ दे रही है, तो यहाँ से फ्रांस भी जुड़ जाएगा, ठीक है, फ्रांस जुड़ जाएगा। अब देखो अब जर्मनी की जो गुस्सा है वो है रशिया पे। अब जब फ्रांस बीच में आ गया तो इसने इसके खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है, फ्रांस के खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या बोलते हैं इसमें जर्मनी सर्बिया को भी टक्कर देगा, रशिया को भी टक्कर देगा, फ्रांस को भी टक्कर देगा, इतना मतलब किस चीज़ का उसको मतलब गुरूर था कि क्या बोलते जो ये तीनों से लड़ेगा। तो उस टाइम के जो मिलिट्री जो आपको पावरफुल इक्विपमेंट्स होते हैं आपके, चाहे डिफेंस से रिलेटेड हो, तोपें हो, उस टाइम के मिसाइल हो, गन्स हो, आर्टिलरी हो, उस चीज़ में सबसे पावरफुल था जर्मनी। चलो जी अब उसके बाद फ्रांस तक बात पहुंच गई, फ्रांस मतलब ये अटैक करने चाहता। तो जर्मनी ने रणनीति बनाई कि हम किस तरह मतलब फ्रांस पे अटैक करेंगे। तो फ्रांस में वो एफिल टावर पेरिस का, तो इन्होंने कहा सबसे पहले हम वहाँ जाएंगे, वहाँ को मतलब कैप्चर करेंगे उस जगह को, पेरिस को। तो जब हम पेरिस पे जाते हैं तो वहाँ से एक देश पड़ता है बेल्जियम, तो वहाँ एक देश पड़ता है बेल्जियम, बेल्जियम होके हमें जाना पड़ता है फ्रांस।
तो जब जर्मनी बेल्जियम जाएगा तो वहाँ फ्रांस, जब जर्मनी बेल्जियम जाए, जब मतलब जर्मनी फ्रांस जाएगा तो बेल्जियम देश से होके उसको गुजरना पड़ेगा। अब गुजरेगा तो बेल्जियम तो वैसे ही छोटा सा देश है, ठीक है, वो वैसे ही डर जाता है कि मतलब अरे ये जर्मनी आ गया, हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ये सो वो, तो इनको ना वापस बोलता है तुम वापस चले जाओ, ऐसा वैसा, इसका और दिमाग ख़राब हो जाता है। फिर बोलता है कि नहीं नहीं हमें जाना है, और क्या बोलते, तो उस टाइम ना ट्रीटी हुआ करती थी, मतलब गुप्त संधि हुआ करती थी कि जैसे मतलब कोई कंट्री है तो किसी के मतलब उन्होंने रक्षा करने का और डिफेंस का, और जो कोई कंट्री उस पर हमला करेगी तो उसका उन्होंने दायित्व उठा रखा था, तो उसी तरह इसका दायित्व उठा रखा था आपका इंग्लैंड ने, इंग्लैंड उठा रखा था। तो इंग्लैंड ने फ्रांस को वो इसको जर्मनी को खुली चुनौती दे दी थी, अगर आपने बेल्जियम पे हमला किया तो आपको हमसे भी लड़ना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल, मतलब अगर आपने बेल्जियम पे हमला किया तो उसको आपको हमसे भी लड़ना पड़ेगा। तो इंग्लैंड भी, तो ये भी इसके खिलाफ भी युद्ध की घोषणा कर देता है, तो इसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो जाता है, और जो आपको इसमें परिणाम देखने को मिलता है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो अब कौन कौन आ गया है, सर्बिया और ऑस्ट्रिया का मामला था, और सर्बिया की तरफ से तीन चार जने आ जाते हैं, रशिया जाता है, फ्रांस आ जाता है, बेल्जियम आ जाता है, इंग्लैंड आ जाता है, और आपका जर्मनी, और यहाँ फिर फर्स्ट वर्ल्ड फाइनली जो है आपका 1918 में ये फर्स्ट वर्ल्ड ख़त्म होता है, और उसके बाद क्या बोलते हैं, जो आपका जर्मनी है वो हार जाता है, और वो उस पर तरह तरह के इकोनॉमिक सेंक्शन लगते हैं, इकोनॉमिक सेंक्शन लगते हैं, ठीक है, आप कभी भी मतलब ज़्यादा फोर्सेस नहीं रख सकते, ज़्यादा फोर्सेस नहीं रखोगे, फोर्सेस नहीं रखोगे। उसके बाद उसके बाद जो जो भी मतलब जितना भी खर्चा हुआ है इसमें, टोटली आपका 1 करोड़ 70 लाख पीपल मरे थे, 1 करोड़ 70 लाख पीपल मरे थे, जिसमें क्या बोलते हैं 1 करोड़ 10 लाख तो मिलिट्री पर्सन थे, और 70 लाख जो 60 लाख के आसपास थे वो आपका जो वहाँ के नॉर्मल सिविलियन थे वो इसमें शिकार हुई थी। 70 to 80 thousand थाउजेंड आपका ये आपके भारतीय मरे थे, भारतीय सैनिक, ठीक है, ये बात हो गई थी, ये नोट कर लीजिएगा पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जर्मनी पे सैंक्शन लग जाते हैं कि आप कभी मतलब किसी पे हमला नहीं करोगे, और ज़्यादा फोर्सेस नहीं रख सकते, और कोई आपसे ट्रेडिंग नहीं करेगा, और ये सब ये इसके पॉइंट थे। अब जर्मनी के वहीं उसी जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक बच्चा था, वो पार्टिसिपेटिंग कर रहा था, उसका मतलब अपने देश का, मतलब अपने देश के तरफ से वो पार्टिसिपेट कर रहा था, उसका नाम था अडोल्फ हिटलर। मामूली चोट लगती है इसे, और क्या बोलते हैं वहाँ का एक इंग्लैंड का ऑफिसर होता है, वो उसे चोट पट्टी करा के उसे अपने देश जर्मनी भेज देता है वापस। और किसको पता था, क्या बोलते, ये बच्चा ही आगे जाने वाले टाइम पे 1939 पे एक मतलब बहुत तगड़ी क्रांति ले आएगा, जिसको जो पूरे देश को राज करेगा, अडोल्फ हिटलर। तो इस तरह क्या बोलते हैं, अडोल्फ हिटलर जर्मन, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट होगा 1939 में, जो 1945 तक चलेगा उसमें आगे देखेंगे। तो जर्मनी के ऊपर सैंक्शन लग गए, इकोनॉमिक लग गए, इकोनॉमिक सैंक्शन लग गए, ट्रेड नहीं कर सकते, और ज़्यादा सैनिक नहीं रख सकते, ज़्यादा मिसाइल मतलब गन्स आर्टिलरी कैरी नहीं कर सकते, और फिर इसके बाद क्या बोलते हैं, चोट पट्टी करा के जो घायल होता है उस टाइम बच्चा होता है, फिर उसको आगे वो भेज देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1940 जब ये सब हो जाता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, तो उसके बाद ना जो अलाइड कंट्रीज होती है, जैसे मतलब मैं मानूँ तो ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, ये विनिंग कंट्रीज होती है, ठीक है, ये विनिंग कंट्रीज होती है, और इसमें क्या बोलते हैं, ये ना एक रशिया, याद रखना रशिया पार्ट नहीं है, वो पार्ट नहीं बनेगा लीग ऑफ नेशन का, ठीक है। फिर रशिया तो ये सब डिसाइड करते कि ना एक मतलब ऐसा होना चाहिए कि क्या बोलते, कभी इन फ्यूचर क्या बोलती वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे सिचुएशन क्रिएट ना हो, इसलिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप करो जिससे क्या बोलते वर्ल्ड पीस मेंटेन रहे, सिक्योरिटी पर्पसेस से और हर चीज़ से। तो उसी तरह क्या बोलते आपका 10 जैन 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना होती है बाय वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन के द्वारा इसकी स्थापना होती है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन के मैं करेक्टर बता देता हूँ, इसका जो मेन मैंने मतलब कि जो
कोई भी ऐसा ना हो कि भविष्य में कभी ऐसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन आ जाए और उसके बाद आपका अगर ऐसा होता तो उस कंट्री के खिलाफ हम इकोनॉमिक सेंक्शन कर देंगे, ट्रेड नहीं होगा उनसे, और ये सब था इसमें लीग ऑफ नेशन में। तो पर ये लीग ऑफ नेशन ज़्यादा चलती नहीं है, और फाइनली क्या बोलते हैं, ये चलती इसलिए नहीं है क्योंकि जो इनमें कुछ मेंबर थे, इटली और जापान, सपोज इटली और जापान हो गए, ये दूसरी कंट्रीज़ के साथ मतलब उनकी ना जो ज़मीन है उनको हथियाने की कोशिश करते। इटली जापान हो गया, इटली जापान हो गया, दूसरी कंट्रीज को हथियाने की कोशिश करते या उनको सबमर्ज करने की कोशिश करते अपने में। तो इस वजह से ट्रीटी सक्सेसफुल नहीं, और 1939 के आसपास जो है, 36 के आसपास ये ख़त्म हो जाती बिल्कुल। तो और इटली जापान हो गया, फिर उसके बाद 10 जनवरी 1920 को इसकी मतलब लीग ऑफ नेशन बनता है। फिर उसके बाद आगे चलते तो आपको पता ही है, सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो जाता है, और आपका ये इसमें चलता है 1945 तक, सितंबर 1945 तक, 24 सितंबर, 24 सितंबर, और यहाँ 1 सितंबर, और इसके बाद 24 सितंबर 1945 को ये ख़त्म हो जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी आपकी 61, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 37 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी और इसमें 61 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है। तो फिर इसमें 61 कंट्रीज पार्टिसिपेट करते, तो इसके भी रिजल्ट बहुत ही मतलब ख़राब होते हैं, और फिर जर्मनी को ऐसा हो जाता है कि मतलब इनकी पूरी आर्थिक सिचुएशन डाउन हो जाती है, और ये बिल्कुल इकनॉमी बहुत स्लो हो जाती है। आने वाले 40-50 सालों में इनकी इकनॉमी उभरेगी नहीं, बहुत तरह तरह के सैंक्शन लगते हैं, और बिल्कुल मतलब देश की अर्थव्यवस्था जो है, इकोनॉमी जो है, बिल्कुल चरमरा जाती है। ठीक है, तो इसीलिए इसीलिए हम जो आज पढ़ रहे हैं, हम यूएनओ, इसकी स्थापना इसी कारण होती है कि क्या बोलते हैं, इसमें जो 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 ऐसी सिचुएशन दोबारा ना हो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन दोबारा ना हो, ताकि दुनिया को कोई मतलब परेशानी ना हो, कभी ऐसा ना हो क्या बोलते, कोई मिलिट्री हमला कर दे किसी पे। तो इसलिए ये 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। अब चलो हम चलते थोड़ा यूएनओ को बारे में पढ़ने के लिए। तो यूएनओ, यूएनओ अगर मैं बात करूँ, यूएनओ की अगर मैं बात करूँ तो यूएनओ का हेडक्वार्टर सबसे पहले देख लेते हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में, और इसका मेन पर्पस क्या है, देखो, इंटरनेशनल पीस मेंटेन करना, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, उसके बाद आपका इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, जो ह्यूमन राइट्स होते हैं उनको मेंटेन करना, कहीं क्या बोलते हैं, ह्यूमन राइट्स का अबॉल्यूशन हो रहा है तो वहाँ देखना, वहाँ जाके देखना, और उस चीज़ को मेंटेन करना, इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, और उसके बाद आपका जो डेवलपिंग नेशन है उनके साथ फ्रेंडली रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना, तो वो इसके एम है, इसके यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। अब देखते हैं इसमें इसके पार्ट क्या क्या है। अच्छा, इससे पहले मैं बताऊँ आपको, यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसमें ना फाइव सिक्स लैंग्वेजेस है, ठीक है, इसकी लैंग्वेजेस, तो लैंग्वेज की बात करूँ तो सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, ये एग्जाम में पूछा जाता है आपके, सिक्स ऑफिशियल लैंग्वेज है, जिसमें फ्रांस, फ्रेंच, सॉरी, फ्रेंच, रशियन, इंग्लिश, स्पेनिश, चाइनीज, अरेबिक। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसमें वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है, तो आप बोलोगे इसमें एक इंग्लिश और फ्रेंच, फ्रेंच इसकी वर्किंग लैंग्वेज है। सिक्स इसकी मेन ऑफिशियल लैंग्वेज, जिसमें आपका फ्रेंच, रशियन, अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश और स्पेनिश, और वर्किंग लैंग्वेज कौन सी है आपकी, इंग्लिश और फ्रेंच। अब यूएनओ के मेंबर कितने हैं, यूएनओ के मेंबर है आपके 193, 193 कंट्रीज इसकी मेंबर है, जिसमें से लेटेस्ट 2000, अगर मैं बात करूँ 2011, 2011 में साउथ सूडान को इसमें इंक्लूड किया गया था, साउथ सूडान को, ठीक है। तो ये इसके यूएनओ के थोड़ा डिटेल में थी जो मैंने आपको बता दिया। और इसके बाद चलते हैं, अगर ये पूछा जाए कि यूएनओ को साइन कब हुआ था, तो याद रखना था 26 जुलाई 1945 को इसमें साइन हुआ था, और के में साइन हुआ था ये 26 जुलाई 1945
1914 को साइन हुआ था, और इसमें जो केम इफेक्ट ये आया था आपको 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, तो ये है। अब इसके जो मेन ऑर्गन है, जो इसके काम जो इसके ऑर्गन है उनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं ऑर्गन की बात करूँ तो उसमें आया था आपका फर्स्ट जनरल असेंबली। जनरल असेंबली की बात करूँ मैं तो उसमें जैसे आप देखते हो कि जैसे हम एग्जांपल हमारे ले लो इंडिया का, तो उसमें इंडिया में कि क्या है कि पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के नीचे आपके तीन हैं लोकसभा, राज्यसभा और आपका प्रेसिडेंट इंक्लूड करते। तो उसी तरह हम अगर हमारी इंडिया की जो पार्लियामेंट को बोले तो पार्लियामेंट है, तो उसी तरह हम जनरल असेंबली को बोलते हैं हम, ये वर्ल्ड की पार्लियामेंट है, वर्ल्ड के देश के सारे जो जो आपके संविधान बनते हैं वो इसी में बनते हैं। ठीक है, मिनी पार्लियामेंट कहते हैं इसे। फिर उसके बाद आते हैं ये पार्लियामेंट ऑफ यूनो हुई, पार्लियामेंट कहते हैं इसको यूनो हुई, और जनरल असेंबली में। फिर उसके बाद आता है ये इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे हैंडल करता है, जैसे मतलब पीस एंड सिक्योरिटी और बजट मेकिंग, डिसीजन में, पॉलिसी मेकिंग में, तो वो इसमें सब इंक्लूड होता है इसमें जनरल असेंबली में। और उसके बाद आता है पॉलिसी मेकिंग डिसीजन में, और आपका वर्ल्ड वर्ल्ड पार्लियामेंट है पीस पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, इसको पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना, पीस एंड सिक्योरिटी मतलब वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ यूएन हो गया। फिर उसके बाद एडमिशन ऑफ द न्यू मेंबर्स टू द नेशन। ठीक है, एडमिशन करता है ये न्यू मेंबर्स, एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स ऑफ द नेशन, ऑफ द नेशन। ठीक है, ये आपको जनरल असेंबली हो गया है। और जनरल असेंबली का अगर मैं देखूँ तो इसमें ये मेन पॉइंट है, जनरल असेंबली में वर्ल्ड पार्लियामेंट है, इसको यूएनओ की पार्लियामेंट कहा जाता है। ठीक है, सब देश की पॉलिसी मेकिंग डिसीजन यहाँ बनते हैं, बजट बजट से रिलेटेड इशू यहाँ डिस्कस होते हैं, और मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी और एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट्स, तो ये जनरल असेंबली हो गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम सेकेंड टॉपिक में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जनरल असेंबली और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही है, ये तो पढ़ने ही पढ़ने हैं। फिर उसके बाद आपका सेकंड पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि पॉकेट वीटो भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। इसमें जो आपका यूएसए, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी, ठीक, ये इसके 5 मेंबर है और इनको पॉकेट वीटो पावर अवेलेबल है। वीटो पावर, पॉकेट वीटो मतलब सिंपली इन सेंस कि सपोज कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो जब तक ये पांच लोग हाँ नहीं करेंगे तब तक वो रेजोल्यूशन पास नहीं होने का। सपोज 4 कंट्री ने हाँ कर दिया, लेकिन एक कंट्रीज जो है यूएसए ने हाँ कर दिया, रशिया ने हाँ कर दिया, फ्रांस ने हाँ कर दिया और ब्रिटेन ने हाँ कर दिया, लेकिन चाइना मना कर रहा है, जो ब्रिटेन जर्मनी नहीं है इसमें, इसमें आपका चाइना, यूएसए ने हाँ कर दिया, रशिया ने हाँ कर दिया, फ्रांस ने हाँ कर दिया, ब्रिटेन ने हाँ कर दिया, लेकिन चाइना मना कर रहा है, तो फिर वो रेजोल्यूशन पास नहीं होने का, वो नल वॉइड करार दिया जाएगा। तो ये होता है पॉकेट वीटो, मतलब पांचों की रजामंदी होनी चाहिए तभी इसमें होता है। फिर उसके बाद है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेन क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, इसको पुलिसमैन ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इसको कंफ्यूज मत कर लीजिएगा आप किससे, इंटरपोल से, वो अलग चीज़ है, ये इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ऑफ पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है, दोनों अलग चीज़ है। ठीक है, ये इंटरनेशनल पुलिस ऑफ, अच्छा यूएन सिक्योरिटी का काउंसिल का जो मेन वो है, मतलब एम है वो क्या है, वो देखो आप, ये है कि जो दुनिया में जो पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना होता है। ठीक है, इकोनॉमिक सैंक्शन, अगर कोई कंट्री गलत मतलब बिहेवियर करती है और अदर्स कंट्रीज़ के साथ, तो उसमें इकोनॉमिक सैंक्शन लगाए जा सकते हैं, ट्रेड ट्रेड कम हो सकता है, और जो मेन है इसमें पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं। और ये, और इसके बाद इसके मेंबरों की मैं बात करूँ तो इसमें 5 तो मैंने आपको बता दिया परमानेंट मेंबर है, ये वाले चाइना वाले, ये 5 तो आपके परमानेंट मेंबर है। ठीक है, परमानेंट मेंबर, और उसके बाद 10 इसमें नॉन परमानेंट होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर, जिसमें क्या बोलते हैं, हर 2 साल में वो मतलब चुनते हैं, हर 2 साल में 2 ईयर्स में आते हैं। ठीक
ठीक है, तो ये इसमें था सिक्योरिटी काउंसिल में। और इसके बाद आगे चलते हैं हम तीसरे में, सेक्रेटेरिएट। इसके बाद हम चलेंगे तीसरे पॉइंट में, सेक्रेटेरिएट। सेक्रेटेरिएट में अगर मैं बात करूँ तो सेक्रेटेरिएट सचिवालय। सेक्रेटेरिएट सेक्रेटेरिएट का बेसिकली क्या है कि चीफ एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ है, और ये भी 5 ईयर्स के लिए रिक्रूट होते हैं और 5 ईयर्स का टर्म पीरियड होता है। और मतलब सेक्रेटेरिएट में क्या हो गया कि सपोज जो जितने चीफ एडमिनिस्ट्रेट ऑफिसर होते हैं यूएन के, वो सब इसी के अंदर होते हैं, ठीक है। और इसको सेलेक्ट कौन करता है, ये करते हैं आपके जनरल असेंबली द्वारा, इनकी नियुक्ति होती है जनरल असेंबली के द्वारा हर 5 साल के लिए। ये सेक्रेटेरिएट का है, ठीक है, यूएन सेक्रेटेरिएट का। जो इम्पोर्टेंट था इसमें जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका आता है फोर्थ में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ठीक है। जितना भी देश में डेवलपमेंट का, जितने भी वर्ल्ड में डेवलपमेंट का काम होता है वो सब इसमें होता है, ठीक। जो इकोनॉमिक एंड सोशल, कोई पुअर तो नहीं है, मतलब जितने पुअर्स लोग हैं उनकी हेल्प करो वर्ल्ड में, ठीक है। जैसे आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखते हो कि वहाँ पे कितने कितने मतलब लोग हैं जो गरीबी की रेखा नीचे है, ठीक है, उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। सोशली बैकवर्ड तो नहीं है कोई देश में वर्ल्ड में, तो वो सब ये देखता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फिर उसके बाद आते हैं फिफ्थ में ICJ, इंटरनल कोस्ट ऑफ जज। 15 मेंबर्स होते हैं जो इनका टर्म पीरियड होता है 9 ईयर्स का। ICJ इंटरनल कोस्ट ऑफ जस्टिस नीदरलैंड हेग में इसका मुख्यालय है, नीदरलैंड हेग में इसका मुख्यालय है। और इसका मेन जो काम है वो ये है कि जो मतलब जो जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं वर्ल्ड के, जो जैसे सपोज बाउंड्री डिस्प्यूट होगा किसी को, और आप मिलिट्री डिस्प्यूट हो गया, तो वो सब सॉल्व करता है ये ICJ नीदरलैंड हॉग हेग में। और 15 मेंबर्स है और 9 टर्म इसका ईयर्स है, 9 ईयर, ठीक है। तो ICJ हो गया। फिर लास्ट बचता है ट्रस्टशिप काउंसिल। जैसे कि आपको पता है ट्रस्टशिप काउंसिल को 1994 में इसको अबॉलिश कर दिया गया था, क्योंकि उस टाइम ऐसा हुआ था कि क्या बोलते, ये वैसे है नहीं अभी मेन ऑर्गन में, पर फिर भी से ले लेते हैं ट्रस्टशिप काउंसिल। ट्रस्टशिप काउंसिल तो इसमें अगर देखो ट्रस्टशिप काउंसिल में, तो आपको पता है सार्क कंट्रीज जो थी, सार्क कंट्रीज के लिए बनाया गया था ये। तो सार्क कंट्रीज में जो आपके 7 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स कंट्रीज है, तो जब 1994 में ये सब देश अपने आज़ाद हो गए थे, ये वाले जो 7 कंट्रीज थे ये सब आज़ाद हो गए थे, तो उसके ना अबॉलिश कर दिया गया था उस टाइम इसको, ट्रस्टीशिप काउंसिल को, ठीक है। जब उनको इंडिपेंडेंस मिल गई थी, इसको सार्क कंट्रीज़ के मेंबरों को इंडिपेंडेंस मिली, तो 1994 में अबॉलिश हो गया, तो इसका इतना अस्तित्व नहीं है ट्रस्टीशिप काउंसिल का। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था जो मैंने आपको बता दिया हल्का हल्का, तो मेन इसमें आप कर लिया, क्योंकि योग्य SSSC का हो चाहे कोई भी हो, स्टैटिक GK का पोर्शन उस पर पूछा जाता है और UNO बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार रिमाइंड कराते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। UNO को स्थापना 24 अक्टूबर 1945, और इससे पहले क्यों स्थापना होती है, हर किसी के पीछे रीज़न होता है, उसकी हिस्ट्री देखिए कि क्यों ये ऑर्गेनाइजेशन बनाने की जरूरत पड़ी। तो अगर हम देखेंगे तो UNO की स्थापना इसलिए होती है क्योंकि उसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण इससे UNO की स्थापना होती है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 37 कंट्रीज थी पार्टिसिपेटेड। 28 जुलाई 1914 को उसकी स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुआ था। 37 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी, और सर्बिया और ऑस्ट्रिया का मामला था। ऑस्ट्रिया के राजा की हत्या कर दी थी सर्बिया ने, तो सर्बिया को टाइम दिया था 1 महीने का कि जितने भी ये कल्प्रिट लोग हैं जो हमारे सामने, उनको प्रस्तुत करो। फिर क्या होता है, फिर इसमें ये होता है कि वो नहीं करते हैं, तो फिर उसके साथ जर्मनी जाता है, ऑस्ट्रिया के साथ, ऑस्ट्रिया की देखी जर्मनी की देखी देखी में वहाँ से रशिया जाता है सर्बिया की तरफ से। फिर वहाँ से जो पावर्स होती है वो बढ़ने लग जाती है, रशिया की तरफ से फ्रांस आता है, फिर बेल्जियम आता है, फिर आ जाता है इंग्लैंड आता है, फिर बाद में USA भी आ जाएगा, ठीक है, जो मोस्ट पावरफुल कंट्री है। तो उसके बाद ये अकेला पड़ जाता है बेचारा, फिर ये हार जाता है, फिर वहाँ चला जाता है, अब हॉलैंड चले जाते हैं, इसका जो अधिकारी होता है, जो बड़ा अधिकारी होता है वो चले जाता है हॉलैंड, ठीक है, चुपके मारे। फिर उसके बाद क्या होता है कि जब ये हॉलैंड चले जाता है, तो फिर उसके बाद वो एक सैनिक होता है छोटा सा, जो अडॉल्फ हिटलर के नाम से, जो आगे आने वाले टाइम पे बहुत मतलब पावरफुल बन जाएगा। और उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है 1918 में, जब हार जाती है जर्मनी, तो इकोनॉमिक सेंक्शन ट्रेड्स, और क्या बोलते मिलिट्री इक्विपमेंट नहीं रख सकते, इतने से ज़्यादा सेना नहीं रख सकते, और क्या नाम है आपका, उसके बाद
नहीं रख सकते, और आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन इतना हो जाता है कि आने वाले 40-50 सालों में देश कभी उभरेगा नहीं, और जितने लोगों को नुकसान हुआ था उनकी सारी भरपाई कौन करता है? जर्मनी करता है। फिर उसके बाद 1920 में 10 जैन 1920 को बनती है लीग ऑफ नेशन। वो लीग ऑफ नेशन क्या था? सेम एज अ जैसा आज हम यूएनओ देख रहे हैं, वो उसी तरह था, बट वो सक्सेसफुल नहीं होती है, क्योंकि क्या बोलते, जो उसमें जो मैम फाउंडिंग मेम्बर्स थे, इटली, जापान, रशिया और जर्मनी, वो सॉरी जर्मनी नहीं, इटली, जापान, रशिया, और तो वो ये देखते ही क्या बोलते, जो उसमें जो इटली जापान होते हैं वो ना अपनी कॉलोनीज को और मर्ज करने की कोशिश करते हैं, जो दूसरी कंट्रीज होती है वहाँ पे अटैक करते हैं, और उनकी जो जगहें होती है वो अपने पे कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से ये लीग ऑफ नेशन भी हो जाती है फेल, ठीक है। फिर लीग ऑफ नेशन फेल होती है, फिर उसके बाद होता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेप्टेम्बर 1939 से 1945 तक, और उसके बाद क्या होता है, फाइनली जो हम रिजल्ट देखने को मिलता है यूएनओ, यूएनओ देखने को मिलता है। यूएनओ यूएनओ में सब जो हमारी 5 परमानेंट कंट्रीज़ है, यूएसए, यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और चाइना, ये सब इसमें है, और इसमें हम देखेंगे कि जो पॉकेट वीटो है, जो मतलब कोई भी रेजोल्यूशन पास होता है तो उसके लिए 5 उसकी मेंबर की हाँ चाहिए ही चाहिए, और इसमें यूएनओ के मेंबर 193 है, और 193 है, और जो 193 मेंबर था 2011 में वो चुना गया था हमारा साउथ सूडान। और इसके जो मेन ऑर्गन है वो आपके यूएन सेक्रेटेरिएट हो गया, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हो गया, जनरल असेंबली हो गया, और आपका ट्रस्टीशिप्स काउंसिल हो गया, और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये 5 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपने प्रीवियसली एग्जाम में देखा होगा, इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो टर्म्स पीरियड से हो, चाहे वो आपका रिलेटेड हो किसी भी इशू से। तो ये था स्टूडेंट्स आज जो मैंने आपको बताया, तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आएगा, और कोशिश करूंगा कि अगले टॉपिक में आपको कुछ स्टैटिक जीके के पोर्शन दूँ मैं, ठीक है। तब तो थैंक्स टू स्टूडेंट्स।